नमस्कार, स्ट्रीट बज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा साम। आगे बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। दुमका में कोयला माफियों के सिंडिकेट को तोड़ने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सिकारी पाड़ा में लंबे समय से चल रहे अवैध कोयला खदानों में छापेमारी की गई। प्रशासन के इस कार्रवाई के बाद कोयला माफियों में हड़कंप मचा हुआ है। मंगलवार को टास्क फोर्स की टीम ने सिकारी पाड़ा के नक्सल प्रभावित हीरापुर के चित्राकुंडी वन क्षेत्र में छापेमारी की। यहां से रोजाना भारी मात्रा में अवैध ढंग से कोयला निकाला जा रहा है। कोयले के काले खेल में यहां रोजाना लाखों रुपए की काली कमाई हो रही थी। ट्रेनी डीएफओ सतबिक ब्यास के नेतृत्व में टास्क फोर्स की टीम ने करीब 10 अवैध कोयला खदानों को बुलडोजर से बंद कराया। ट्रेनी डीएफओ सतबिक ब्यास ने कहा कि कोयले की अवैध माइनिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस समय हम लोग चित्राकुंडी इलाके में हैं, जहां पर कोल की इलीगल कुछ खदानें चल रही थी, जिसमें हम लोग आज डोजरिंग का काम करने आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जेसीबी लगी हुई है, तो ये जो कुछ खदानें जो खुद गई थी उनको हम लोग बंद करने का काम कर रहे हैं। कितने अवैध कोयला खदान है यहाँ? यहाँ पर अभी तक हम लोगों को लगभग 10 के करीब छोटी बड़ी मिलाकर खदानें मिली है, जिस इलाके में हम लोग अभी ये डोजरिंग का काम कर रहे हैं। क्या क्या जब्त किए? जब्ती में सुबह सुबह जो हम लोगों का स्टाफ आया, जो अभी तक की जानकारी है, उसमें एक बाइक है, एक जनरेटर, एक बहुत बड़ा सबमर्सिबल और होज पंप, यही सारी चीज़ें, और काफ़ी कोयला भी बरामद किया गया है। क्या क्या इसमें कार्रवाई भी हो रहा है? जी, इसमें कुछ लोगों के नाम सामने आएंगे और काफ़ी जाँच चल रही है, तो उसमें FIR भी की जाएगी। किन का नाम आया है सामने? नाम की पुष्टि होते हुए आप छापेमारी के दौरान एक बाइक, एक समरसेबुल पंप सहित कई सामान बरामद किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल कोयला निकालने में किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि कोयले के काले खेल से जुड़े कुछ कारोबारियों को भी चिन्हित किया गया है और जल्द ही उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।